नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दर्शक। मेरे साथ अभी हॉलैंड नीदरलैंड में अरुण कुमार, जो कि भारत के ही रहने वाले हैं, डॉक्टर हैं, वो जुड़ेंगे और मैं उनसे कुछ खास। नीदरलैंड में 20,000 लोग कोरोना वायरस के चपेट में आए हैं और 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और अरुण जो हैं वो लगातार नज़र रखे हुए हैं सोशल मीडिया पर, लगातार वो बात कर रहे हैं। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो भारत के लिहाज से वो बताना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल है कि कोरोना से लोगों को डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? शंभु बाबू नमस्कार। आपका पहला सवाल कि कोरोना से लोगों को डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, भैया दुनिया की हर बीमारी से डरना चाहिए, लेकिन डरने का मतलब ये भी नहीं है कि छुप जाना चाहिए उससे। अगर आपको हो गया है या आपको उससे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो सीधे डॉक्टर के पास पहुँचें, अपनी दवा इलाज करें, डर के मारे छुप के ना बैठें। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सीधा सवाल है कि कोरोना किन उम्र के लोगों पर ज़्यादा अटैकिंग है और किन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है? दोस्त, कोरोना सब पर अटैकिंग है। आपको समझने की ज़रूरत यह है कि कोरोना किसके लिए खतरनाक है। अटैक तो सब पे करेगा, आएगा भी सबके ऊपर भी। जैसा कि रिपोर्ट्स कहती हैं, लगभग 70-80% लोगों को कोरोना होगा, जिसमें से जो लोग 60 के ऊपर हैं उनके लिए वो खतरनाक है। जो लोग 60 से नीचे हैं लेकिन बीमार हैं और बहुत ज़्यादा मोटे हैं उनके लिए खतरनाक है। मोटे में खास तौर पे जो लोग शुगर के मरीज हैं या सांस लेने में उनको समस्या है, दम फूलता है, उनके लिए वो खतरनाक है। डॉक्टर साहब, मेरा तीसरा सवाल है कि कोरोना कैसे फैलता है, कैसे क्या वो हवा में फैलता है और कोरोना कहाँ कैसे कब तक जिंदा रहता है? जैसे लोहा पर, सरफेस पर, हवा में, लकड़ी पर, गेट में, ग्रिल में, वो कैसे? अब वो ऐसा है, कोरोना जो होता है वो एक निर्जीव चीज़ है, उसके पंख पैर नहीं होते हैं, वो अपने आप नहीं उड़ सकता है। उसको केवल फैलाया जा सकता है, वो किसी कैरियर के माध्यम से ही दूसरे तक पहुंचेगा। जब तक लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे वो नहीं फैलेगा। लोग माने कि कोई भी जीवित निर्जीव वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के छूने के आधार पर नहीं जाएगी तब तक वो नहीं फैलेगा। इसीलिए लॉकडाउन जो किया गया है वो इसलिए किया गया है कि लोग एक दूसरे के संपर्क में कम आएं और ये कम फैले। आपका अगला सवाल था कि कितनी देर तक ये सरफेस पर रहता है। कोरोना किसी भी निर्जीव वस्तु पर, निर्जीव वस्तु का अर्थ है सूखी, निर्जीव मतलब कि अगर गीली चीज़ होगी तो गीला होते ही उसमें जीवन है थोड़ा बहुत। किसी भी निर्जीव वस्तु पर 5 घंटे से 22 घंटे तक रहता है, तो लोहा, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों के ऊपर लगभग 5 से 22 घंटे तक रहता है। लेकिन अगर वो चीज़ गीली है तो उसमें वो और देर तक रहता है। डॉक्टर साहब, हैंड वॉश, आँख, नाक और मुँह न छूएं, ये क्यों कहा जा रहा है? कोरोना कैसे खतरनाक है? आँख, नाक और मुँह न छूएं। देखिए, आप समझ लें पहले कि इस वायरस का जो मुख्य अटैक का केंद्र है, वायरस कहाँ पर अटैक करता है, वो है आपके फेफड़े, आँख, नाक और मुंह। ये तीन कनेक्शन ऐसे हैं कि जो गले से होते हुए सीधे आपके फेफड़े में पहुँचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने हाथ साफ रखें और कम से कम अपनी उंगलियाँ आँख, नाक, मुंह में लगाएं। कोरोना से बचाव के लिए डॉक्टर साहब क्या कहेंगे लोगों को, क्या सलाह देंगे? दोस्त, कोरोना से फिलहाल तो कोई बचाव है नहीं, सिर्फ एक ही बचाव है कि उससे आप बचे रहें। मतलब कि अगर आपके देश में लॉकडाउन चल रहा है तो उसका पालन करें, लोगों से ना मिलें, क्योंकि इस समय जो भारत है, भारत में कोरोना का तीसरा चरण आने वाला है। तीसरे के बाद जब चौथा आएगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, तो इस समय सिर्फ अपने को साफ रखें, जितने बार भी हाथ धोएं कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं, गिनती गिन लें 1, 2, 3, 4 से लेकर 20 तक, वो बहुत ज़रूरी है। और खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा खाएं, कम से कम 4 बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, फादिल ना खाएं। और अंडा खाते हैं तो 1 अंडा ज़रूर खा लें साथ में, और अंडा नहीं खाते हैं कटोरी दाल उबली हुई बिना तड़का वाली उसको भी खा लें साथ में। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वायरस शरीर के अंदर जाता है तो आपका शरीर ही उस वायरस से लड़ रहा होता है। शरीर तभी लड़ पाएगा जब आप अच्छी सांस ले रहे होंगे और अच्छी प्रोटीन खा रहे होंगे। अच्छा मजबूत शरीर होगा तभी लड़ पाएगा, मजबूत शरीर नहीं होगा तो हार जाएगा। ये एक युद्ध है, उसमें वही जीतेगा जो मजबूत होगा। मजबूत बनाए रखिए शरीर को, काम बन जाएगा आपका। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है नीदरलैंड में मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं, मास्क उनको पहनना है जो डॉक्टर है, आपकी क्या राय है इस पर, इसकी क्या प्लानिंग है? भैया, नीदरलैंड ही नहीं, किसी भी देश के डॉक्टर ने नहीं कहा कि मास्क पहने। मास्क आपकी सुरक्षा नहीं करता है, ये वायरस बाल से कई हज़ार गुना छोटा होता है, मास्क इसको नहीं रोक पाएगा। मास्क सिर्फ इसलिए होता है कि वो व्यक्ति जो बीमार है वो जब छींक रहा है, थूक रहा है, तो वो थूक के माध्यम से वायरस बहुत दूर तक ना जाए।
वहीं रुका रह जाए। तो जो व्यक्ति बीमार है या जो व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति के संपर्क में है केवल वही मास्क पहनता है। यहाँ पर सरकार ने मास्क पे बैन लगाया हुआ है। उन्हें पता है क्योंकि मास्क से कुछ फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन लोग मानेंगे नहीं, लोग खरीदेंगे, इसलिए दुकानों में मास्क नहीं है, अस्पतालों में मास्क फ्री है। अगर आप मरीज हैं तो डॉक्टर और मरीज ही केवल मास्क पहन रहा है। चूँकि लॉकडाउन है इसलिए भीड़ भड़क का कहीं है नहीं, बाहर सड़क पे झुंड में घूमना नहीं है, मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्क आपको नहीं बचाता है, मास्क आपसे लोगों को ज़रूर बचाता है, बस इसको ध्यान रखें। मास्क में पैसे ना लगाएं, मास्क और घर का गमछा एक ही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोरोना जो है, जैसे हम जैसे लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग को तो सेफ रहने की ज़रूरत है, लॉकडाउन से कितना फ़ायदा होता है और लॉकडाउन नहीं होगा तो कितना नुकसान होगा? देखिए बॉस, कोरोना एक ऐसी चीज़ है कि जो अभी तक ज्ञात रिपोर्ट है उसके हिसाब से लगभग 70% लोगों को कोरोना होगा। यहाँ पर 60% पहुँचने वाला है नंबर, लेकिन वो कोरोना डेडली नहीं होगा, लेकिन वो कोरोना ऐसा नहीं होगा कि वो आपको जान से मार देगा। इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने अपने प्रोग्राम पापा ऑन ड्यूटी पे दी हुई है, तो वहाँ पे आप देख सकेंगे कि 70% का मतलब क्या है। मतलब ये है कि लगभग आपको भी कोरोना होगा, तो होगा तो इसमें डरने की क्या बात है भाई, होगा तो होगा करेगा, देख लिया जाएगा। कोरोना केवल उन्हीं लोगों के लिए जानलेवा है जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके फेफड़े मजबूती से सांस नहीं ले पाते हैं। आज की स्थिति में कोरोना सिर्फ उन लोगों के लिए ही जानलेवा है, लेकिन आप कोरोना के धारक बन सकते हैं। माने कि इनका कोरोना लेके 20 आदमी से मिलेंगे तो 20 को दे सकते हैं, और उस 20 में कितना कमज़ोर था, मजबूत था, उसका काम लगा दिया आप। तो लॉकडाउन का मतलब सिर्फ ये है इस समय कि आप घर बैठे किसी का अगर आपको लग गया है तो अपने ही निपट लें, दूसरे को ना दें। लॉकडाउन का मतलब सिर्फ ये है कि दूसरों को कोरोना न्योता के जैसे ना बांट जाए, इसलिए अपने तक ही उसको बनाए रखें, और आपका शरीर उससे लड़ रहा है। एक बार आपको अगर कोरोना हो गया तो दोबारा कभी नहीं होगा, वो शरीर अपने आप उस कोरोना को सही कर ले जाएगा। जब तक आप सही रहेंगे, आपका शरीर कमज़ोर होगा तब आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो खुद नहीं लड़ पाएगा। तो कोरोना से डरने की बात नहीं है। आपको अगर कोरोना के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, अपने डॉक्टर से बात करें, जैसा वो कह रहे हैं उनकी बात को मानें, लेकिन सबसे ज़रूरी है घर में बैठे लोगों से ना मिलें। पता नहीं उनको होगा, आप ले आए, घर बांट दिए, मान लीजिए आपको है तो आप 20 को बांट दिए, तो इसी तरह से वो फैल रहा है। चीन से निकला था, फैलते फैलते साला कहाँ तक पहुँच गया है। भारत जैसे देश में जहाँ बहुत सघन आबादी है, वहाँ कोरोना से कैसे निपटा जा सकता है? भैया, भारत जैसी जो सघन आबादी है वहाँ पे कोरोना बिल्कुल वैसे ही निपटा सकता है जैसे चीन में निपटा गया, वहाँ भी सघन आबादी थी। इस समय फिलहाल कोरोना का कोई इलाज, कोई टीका है नहीं। जो मेरा टेस्ट हुआ है जिसमें मैंने कोरोना इंजेक्ट करवाया है अपने आप को, वो सिर्फ ये है कि जब एक कंट्रोल्ड कोरोना शरीर के अंदर जाता है तो ब्लड के अंदर कौन से रिएक्शन होते हैं, जब उसका सेकेंड वर्जन बनेगा तो फिर और लोगों पर टेस्ट किया जाएगा। लेकिन आज के समय में कोरोना का कोई इलाज नहीं है। इलाज सिर्फ ये है कि आप अपने शरीर को बेहतर बनाए रखें और लोगों से फिजूल में ना मिलें। अगर कोरोना आपको नहीं है तो लेके घर ना आएं, अगर आपको है तो घर के बाहर ना निकालें, बस फिलहाल यही है। और डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कोरोना से जिस तरह से हवा में कितनी देर रहता है, सरफेस पर कितनी देर रहता है, और वो फेफड़ा में उसका सिम्टम्स कितने दिन में पता चलता है? जैसे मुझे कोरोना हो गया है तो मुझे कितने दिन में पता चलेगा? ये एक बहुत मिथ है कि कोरोना हवा में रहता है, ऐसा नहीं है। कोरोना हवा में नहीं रहता है, कोरोना हवा में कुछ देर रहता है। कोरोना हमेशा किसी कोरोना ग्रसित व्यक्ति के या जानवर के शरीर में होता है, लेकिन उसकी सांसों के साथ में बाहर निकलता और वो अपने मुख्य सोर्स यानी वो व्यक्ति जिसके फेफड़ों में संक्रमण है या जिस जानवर के फेफड़े में ये संक्रमण है उससे 1.5 मीटर की परिधि में रहता है। तो मतलब जब आप भीड़ में चल रहे हैं तो ये संभावना हो सकती है कि कोई आदमी जिसको ये संक्रमण हुआ और वो उस भीड़ से निकला और उस वक्त आप वहाँ पर थे और वो वायरस सांस के द्वारा आपके फेफड़े में चला गया। संक्रमण कैसे होता है, पूरी कहानी संक्रमण की मैंने अपने चैनल पापा ऑन ड्यूटी में डाली हुई है, आप उसको देख लें। पूरा मैंने एनिमेशन के साथ समझाया हुआ है कि जब आप फेफड़े आपके कैसे होते हैं, फॉर्म की तरह होते हैं, जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो जिस जगह पर ये ऑक्सीजन अंदर ली जा रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जा रही होती है, वहाँ पर छोटे छोटे से बाल होते हैं। तो ये संक्रमण जो होता है उन बालों को नष्ट करता है।
लेकिन जैसे ही संक्रमण अंदर आता है, हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं, जो सफ़ेद खून होता है, जो लड़ता है सबसे, वो आके बिल्कुल मार काट मचा देती है, अंदर लड़ाई शुरू कर देती है। तो उनके मारने काटने से फेफड़े के अंदर जो कफ है वो भरना शुरू हो जाता है, इसीलिए खांसी आती है, इसीलिए बुखार होता है। जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो सांस ठीक से नहीं ले पा रहे होते हैं, ये जिनका संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है, उसमें वो कफ धीरे धीरे भरना शुरू हो जाता है, जिसे फेफड़े खांस के बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो जब फेफड़े खांस के बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो सूखी खांसी आएगी। तो जब आपको बुखार हो और सूखी खांसी हो, ये दो एक साथ हो, और 4 दिन से ज़्यादा हो गया हो, तो समझ लें कि भैया आपका नंबर आ गया, अस्पताल चलिए, नहीं तो कहीं और जाने का नंबर आ जाएगा। तो होता उसमें यह है कि आपके फेफड़े धीरे धीरे भरने लगते हैं। जब फेफड़े भरने लगते हैं तो आप सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं। जब आप सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन ठीक से नहीं जाएगी। जब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन ठीक से नहीं जाएगी तो आपके बाकी के ऑर्गन धीरे 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 काम करना कम कर देंगे। ये एक मुख्य सिम्टम्स है। पूरी कहानी पापा ऑन डीटी पे जाइए, वहाँ पे पूरा एनिमेशन के साथ में समझाए हैं, एकदम समझ में आ जाएगा जो अगर ठीक से समझे तो। आपको अगर कोरोना हो गया है तो आपको 4 से 5 दिन के अंदर पता चल जाएगा। एक कोरोना वायरस की उम्र शरीर के अंदर 5 दिन होती है। 5 दिन के अंदर या तो शरीर उसको मार देगा या ये आपका काम लगा देगा। तो 5 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। 5 दिन के अंदर मुख्य सिम्टम्स ये है कि आपकी आंखों में थोड़ी थोड़ी अगर जलन हो रही है, आपको खांसी आ रही है, आपके जोड़ों और शरीर में दर्द हो रहा है और आपको बुखार है। अगर ये खांसी, बुखार और दर्द, ये तीन एक साथ हैं, खांसी सूखी खांसी, कुछ निकल नहीं रहा है, अगर ये तीन एक साथ हैं तो बहुत बड़ी संभावना है कि आपको कोरोना है। ये 4 से 5 दिन के अंदर आपको बिल्कुल बिस्तर पर लिटा देगा। तो ये है, अगर आप बिस्तर पर नहीं लेट रहे, खांस थूक के काम चला ले रहे हैं, तो हो सकता है आपको हल्का कोरोना है और आप उसी में निकल जाएंगे, फिर आपको दोबारा नहीं होगा। आप चूँकि यूरोप में हैं तो डॉक्टर, यूरोप की क्या स्थिति है ये बताएं, और अमेरिका में इतने लोग क्यों मर रहे हैं? अमेरिका, इटली में सबसे ज़्यादा नुकसान क्यों हो रहा है? भैया, यूरोप की स्थिति यह है कि यहाँ पे चौथा दौर समाप्त हो गया है, इसीलिए अब लॉकडाउन को यहाँ पर इंटेलिजेंट लॉकडाउन में बदल दिया गया है। मतलब कि जो कर्फ्यू वर्फ्यू लगाया था, जो समझाया गया था कि ऐसे चलना है वैसे बैठना है, तो सरकार ने कहा है कि आपने सीख लिया है, अब आपका शरीर आप जाने और बाकी ये लोग अस्पतालों में अब काम कर रहे हैं। तो यहाँ से कर्फ्यू तो हटा लिया गया है, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है। चूँकि यहाँ पर जाँच ज़्यादा है, इसलिए मरीजों की संख्या भी ज़्यादा है। माने कि अपने यहाँ भी मरीज बहुत हैं, लेकिन चूंकि जांच ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं कौन मरीज है कौन नहीं मरीज है। तो ये कहना कि फला जगह पर ज़्यादा मरीज हैं तो फला जगह की स्थिति ख़राब है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर ज़्यादा मरीज इसलिए हैं कि वहाँ पर मरीज की जाँच हो रही है, इसलिए पता चल रहा है कि वहाँ पर इतने मरीज हैं। जहाँ पता ही नहीं चल रहा है वहाँ कहाँ का मरीज, मर जाएगा किसी और में, नाम लग जाएगा उसका। तो अगर आपको सिम्टम नज़र आ रहे हैं, सीधे अस्पताल जाइए, कहिए हमारा चेक करिए, हमको ऐसा लग रहा है, इसमें डरने घबराने की बात नहीं है कुछ। एक कॉमन सवाल है, सब पूछते हैं, क्या गर्मी से कोरोना खत्म हो जाएगा? और कोरोना से आपको बचना है और आप लॉकडाउन में है तो घर में किस तरह की तैयारी करें, क्या खाएं, क्या पिए, क्या ना खाएं, किस तरह की तैयारी करें, किस तरह से रहें? भैया, गर्मी से कोरोना खत्म हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। कोरोना एक निर्जीव चीज़ है, उसमें जीवन है ही नहीं, तो वो ख़त्म कहाँ से होगा, पहली चीज। दूसरा, गर्मी का माने क्या, आपके शरीर का टेम्परेचर ही 40 तक पहुंचता है, तो माने क्या 40 से मर जाता शरीर के अंदर। लेकिन हाँ, जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है तो हवा में पानी की मात्रा कम होती है और वायरस का जो इन्फेक्शन, जो 1.5 मीटर कूद रहा है, वो कम हो जाता है, वो थोड़ा सा कम चलता है। तो गर्मी से कोरोना वायरस मर जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन गर्मी से जो कैरियर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को कोरोना हो चुका होगा तो उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसलिए कोरोना से डरिए मत, क्योंकि वो लगभग सबको होना ही होना है। अपने शरीर को मजबूत रखिए, घर को साफ रखिए, दिन में कम से कम 8 से 10 बार हाथ धोइए, और सैनिटाइजर के चक्कर में मत पड़िए, सीधा साबुन से 20 सेकंड हाथ धो लिए, सब बह जाएगा उसी में। आप अपने तरफ से डॉक्टर साहब क्या क्या सुझाव देंगे, अगर कोरोना जिनको हो गया है या जो कोरोना से काफ़ी बचना चाहते हैं और जो कोरोना से एहतियात के तौर पे क्या क्या करना चाहिए? भैया, मेरी तरफ से एक ही सुझाव है जो मैं कर भी रहा हूँ खुद भी, बढ़िया खाओ, साफ़ सुथरा खाओ, खूब नहाओ धोओ, साफ़ कपड़े पहनो, सरकार की बातें मानो, लॉकडाउन का पालन करो, इधर उधर लोगों को ना छुओ, फालतू की किस वेस मत करिए, इस समय इन सबसे फैल रहा है। खाने में चिकन विकन खूब दबा के खाइए, इनसे कुछ नहीं होता है। जो लोग कह रहे हैं कि मीट में होता है, फलाना है, ढिमाका है, जितना कोरोना मीट में होता है उतना ही सेब में होता है।
छुए से ही ना होता है, चाहे मीट छुइए चाहे आलू छुइए, तो एक के बात है। तो बढ़िया खाना खाइए, आलू सस्ता मुर्गी है इस समय, खूब दवा खाइए कसके, तो अंडा खाइए, मुर्गी खाइए, मछली खाइए, आलू खाइए, दाल खाइए, खूब बढ़िया ठीक से खाइए, ज़्यादा तेल मसाला मत खाइए, साफ सफाई, और टीवी देखना बंद कर दीजिए। वहीं फंस जाते हैं सब कि ये है, वो है, वो है, वो है, कुछ चिंता की बात नहीं है। लोगों से मिलना जुलना बंद करिए और लोगों को ज़्यादा छुइए हुइए नहीं। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कोरोना से सावधान रहने के लिए सबसे बड़े बड़े अगर 10-15 छोटे छोटे पॉइंट्स बताए जाए तो क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए? भैया उससे सावधान रहने के 10-15 पॉइंट नहीं है, बहुत साधारण छोटे से पॉइंट हैं, सीधा सीधा पॉइंट है क्या नहीं करना चाहिए। भीड़ भाड़ में मत जाइए, फिजूल में घर से बाहर मत निकलिए, अपने सरकार की बात मानिए, जो भी वो कह रहे हैं उनकी बात मानिए, क्योंकि कोरोना के साथ साथ वो देह तोड़ाई भी हो रही है, तो उससे बचना है। और क्या करना है, करने में सिर्फ अच्छा खाना खाना है, पेट भर के पानी ज़्यादा पीना है, और हाथ बहुत ठीक से धोना है। तौलिए हो सके तो एक दूसरे के इस्तेमाल ना करें। जो लोग एक ही घर में रह रहे हैं उनके साथ में तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो फैला ही रहे हैं आप एक दूसरे को, लेकिन दूसरे रिश्तेदारों परिवार वालों से मिलने ना जाएं फिलहाल। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि भैया इस चक्कर में ना पड़िए कि इस जात में होता है, उस जात में ना होता है, ये सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए। जात से कोरोना से कोई मतलब नहीं है, वो हर किसी को होगा। तो ये ना कहिए कि मुसलमान को हो रहा है तो इसको हो रहा है, कि दलित को हो रहा है, कि पंडित को हो रहा है, इन सब में कुछ नहीं होता है। अफवाहों में मत पड़िए, ये बीमारी है, महामारी है, ये सबको लपेटे में लेगी जो गंदा होगा। बस साफ सफाई यही एक है, इसका अलावा कुछ है नहीं। तो ये थे डॉक्टर अरुण कुमार जो नीदरलैंड में है इस समय और वहाँ देख रहे हैं मरीजों को, कोरोना पेशेंट को, तो ये उनकी राय थी। आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा लगातार डॉक्टर अरुण कुमार से आपको बातचीत दिखाता रहूँ। आप सबका शुक्रिया।